अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आयशा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेनिट्रेटिव नॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू गाइस कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वैसे बहुत टाइम हो गया है हमने जो है कुछ वीडियो मैंने अपलोड नहीं की आप लोगों के लिए। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिन पे आप काम करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और अपने आप को अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि यू गाइज हैव टू डिवेलप न्यू स्किल्स। ठीक है, आप अपने अंदर कुछ न्यू स्किल्स को डिवेलप करें, कुछ ऐसे स्किल्स पे आप काम करें जो कि आपके लाइफ में काम आए। जैसे आप पेंटिंग सीख ली आपने, ठीक है, आपने ड्राइंग सीख ली और आपने राइटिंग स्किल्स सीख ली, ठीक है, रीडिंग स्किल्स आपने अपनी अच्छी कर ली, या फिर आपने किसी को लेक्चर देना है, आपने किसी को एडवाइस देनी है, आप वो वाली स्किल अपने अंदर ले आए, किसी को किस तरह से कंसोल आप करेंगे। तो और भी इसके अलावा बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि आप अपने अंदर डिवेलप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने अंदर ये स्किल्स डिवेलप करेंगे और आप जब किसी से मिलेंगे तो आपको अच्छा फील होगा कि हाँ ये स्किल मुझ में आती है और आप वो स्किल दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो आपकी टिप है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की वो ये है कि आपने स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आपके पास ये ट्रिक है कि अगर आप स्ट्रेंजर से जब बात करते हैं जिन लोगों को आप जानते नहीं, जब आप उनसे बात करते हैं तो हम जो ह्यूमन है ना वो नेचुरली ऐसे हैं कि वो स्ट्रेंजर से बात करके खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, न्यू लोगों से मिलें, ठीक है, न्यू जो चीज़ें हैं वो सीखें और जो है आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ अपने अंदर जो आपकी स्किल्स हैं या आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, या आप किसी भी टॉपिक पे स्ट्रेंजर्स से बात कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ मेरे ही जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं बिल्कुल डिफरेंट नहीं हूँ लोगों से। हम जब ऐसे सोचते ना कि भाई मुझ में ये खामी है, मुझ में ये क्वालिटी नहीं है, या वो फलां लोगों में है, किसी और इंसान में है जो कि मुझ में नहीं है, तो ऐसा होता है कि आपका जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है ना वो आप लूज़ कर जाते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप स्ट्रेंजर्स से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ जो मुझ में बुरी है वो दूसरे में भी बुरी हो सकती है, तो सिर्फ मैं ही एक अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ या ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसके अंदर ये बुरी चीज़ है। ठीक है, नंबर 3 टिप इज लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये सोचना ख़त्म कर दें कि भाई मुझे परफेक्ट होना है, या फिर फला इंसान परफेक्ट है तो मुझे उसकी तरह होना है, या फिर किसी और के लिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मतलब मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं सोचें। आप खुद को डिमोटिवेट ना करें। खुद को आप जो है इस तरह से जब फील करवाएंगे, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने खुद को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, कि अब देखें कोई बात नहीं, अगर मुझ में कोई चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं अगर किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ और मुझे लग रहा है कि भाई कोई और इंसान जो है मेरी उस बुरी चीज़ से जो है बोलेगा हो ये तो ऐसी है और इसमें तो ये चीज़ है, तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके अगर आप में कोई बुरी चीज़ है, आप उसको जो है इम्प्रूव करें, आप अपना बेस्ट वर्जन लेकर आएँ, आप उस पर काम करें, अपने ऊपर काम करें। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई और ना मुझसे मतलब बात नहीं की जा रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि ये वाली अगर मैंने वीडियो अपलोड की ना तो कोई और जो लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखेंगे वो मुझे जज करेंगे कि भाई ये तो ना डरी डरी सी लग रही है और मतलब इसका अपीयरेंस कैसा है, उसमें मेरे लिप्स भी ना कुछ अजीब से लग रहे थे। तो उसकी वजह से ना मैंने वो अपनी वीडियो जो मैंने डाली थी ना वो मैंने बहुत टाइम तक अपने पास रखी थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको ना अपलोड करने के लिए, सिर्फ इसी डर से कि लोग क्या सोचेंगे। लिटरली लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिप्स मोटे नज़र आ रहे हैं, आपकी आंखें ख़राब आ रही हैं। ठीक है, आपकी अक्सर कैमरे में ऐसा होता है कि आपकी जो है आईज़ छोटी या बड़ी नज़र आ रही होती हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो आपको जज करेंगे, आप उनको सुनोगे, आप खुद को ही डीमोटिवेट करोगे, आप खुद के लिए ही एक जो है ना हम बोल सकते हैं खुद को डीमोटिवेट करने वाली बात है। आप नेगेटिव सोचेंगे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो मैंने बस जो है अपने उस फेयर को मैंने कहा बस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी को जो है मैं बुरी लग रही हूँ या मेरा बात करने का स्टाइल किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। मुझे तो अपनी लाइफ में खुद को मैंने बेटर करना है ना, मैंने अपने लिए ये वीडियो डालनी है, मुझे
जो है बस लोगों की हेल्प करनी है। आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ और मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं उससे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली जब मैंने स्टार्ट में अपनी वीडियोस डालना शुरू की थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे जो है नेगेटिव कमेंट्स किए थे, जिनकी वजह से मैं बीच में डीमोटिवेट हो गई थी। मुझे लग रहा था कि बस मैं अब सही नहीं कर रही हूँ, मुझे वीडियोज़ अच्छी नहीं बनानी आ रही हैं। तो ऐसा होता है ना, स्टार्ट में जब कैमरा के सामने आते हैं तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाता है बॉडी को, हमसे बोला नहीं जाता या हमारी जो पूरी बॉडी है वो कांपने लग जाती है। तो जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं और फिर आपको लगता है कि बस मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, अब लोग जो है मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। आपको जो है बिल्कुल भी ऐसा सोचने की लिटरली ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे, आप अपने आने वाले टाइम में, अब देखिए आप खुद देखें, जो वो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसकी वजह से मुझे हिम्मत मिली। मुझे जब लोगों के नेगेटिव कमेंट आए ना, उसके साथ पॉजिटिव भी आए थे। कुछ लोग थे जो मुझे बहुत ज़्यादा बोलते ना अप्रिशिएट कर रहे थे, वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि भाई आयशा तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम और भी अच्छा कर सकती हो और हमें तुम पे प्राउड फील हो रहा है और माशाल्लाह और ये सब ना। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली थी। फिर मैंने सोच लिया कि भाई अब लोग जो है ना, जो नेगेटिव मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं ना, मुझे उनको नहीं देखना। उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, जो कि मुझे दुआएं देने वाले हैं, जो कि मुझे अप्रिशिएट करने वाले हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। तो बस मैंने ये सोचा कि भाई मैं परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ, जैसी मुझे वीडियोस बनानी आ रही हैं, जैसा मैं बोल रही हूँ। मुझे लोगों ने ये भी कहा था कि आप बोलते हुए बहुत अटकती हो, या आप बहुत आराम से बात करती हो, या फिर आप ना बहुत डरी हुई लगती हो। तो बस यही सोचा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे परफेक्ट बनने की ज़रूरत भी नहीं, जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही आप लोगों के सामने आऊँगी, आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। ठीक है, तो ये बस दिल से निकाल दें कि कोई भी परफेक्ट इंसान इस दुनिया में मौजूद है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टिप है वो यही है कि आपने ऐसे काम करने हैं जिनसे आपको डर लगता है। ठीक है, जैसे मैं वीडियोस बनाने के लिए बहुत घबरा रही थी कि मैं वीडियोस डालूंगी और मैं अपनी वीडियोस में क्या बात करूंगी। तो मैंने जो है अपने उस चीज़ को मैंने साइड पे रखा और मैंने वो हिम्मत करके बस मैंने वो वीडियो डाली और मैं वीडियोस बनाती हूँ। इसके अलावा जो है एक ये भी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में जो है एक्सपीरियंस की है और मैंने देखी है कि जो लोग जिस चीज़ से डर रहे होते हैं ना, अगर वही उनकी लाइफ में आ जाते हैं ना, तो उनके दिल में जो थोड़ा बहुत डर होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बस में ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा डरती थी। ठीक है, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। तो मुझे अगर कोई मजाक में भी बोलता था ना कि हम फलां जगह जा रहे हो और हमने बस में जाना, तो मुझे पता नहीं क्या होता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बोलती थी नहीं मुझे नहीं जाना। तो फिर जो है ऐसा टाइम आया कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता था, तो फिर मुझे बस में ट्रैवल करना पड़ा। कुछ इस तरह के इशूज़ थे मेरे साथ कि मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं था या कोई और इशूज़ थे, तो मुझे समहाउ मुझे बस में ट्रैवल करना पड़ा। तो बस में मैंने जब ट्रैवल किया, मुझे जो है 2-3 मंथ तक ना मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। मैं बस में बैठती थी ना तो मुझे बैठा नहीं जाता था, मैं कांप रही होती थी और कभी कभी ना मैं सीट से जैसे घबरा के गिर जाती थी, या फिर एक दफ़ा मैं चढ़ने लगी तो मेरी जो है ऐसा मुझ में एक डर सा था कि मैं चढ़ने लगी तो मेरी चप्पल जो है ना उसमें गाड़ी से नीचे गिर गई थी, इतनी ज़्यादा मैं घबराई हुई थी। तो बस यही था कि इन सारी चीज़ों के साथ मैंने बस में ट्रैवल किया। 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ जब निकले मेरे जो है, 6 मंथ के बाद मैं थोड़ी सी उसके बस में ट्रैवल करने के यूज्ड हुई। उसके बाद आज ऐसा टाइम है, उसको उस बात को 2 से 3 साल गुजर गए हैं कि मुझे किसी का डर नहीं होता, कहीं मर्जी मैं आराम से चले जाती हूँ। ठीक है, पहले मैं कभी भी कहीं पे भी अकेली नहीं गई थी, लेकिन वो बस में जो मैंने ट्रैवल किया, उस जिस चीज़ से मैं डरती थी, मैंने जब उसमें ट्रैवल किया और फिर मुझे जो है इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब कहीं पे भी अकेली खुद जा सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो टिप है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की, वो ये है कि यू गाइज हैव टू इम्प्रूव योर इनर एंड आउटर अपीयरेंस। ठीक है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। जब आप अच्छे से तैयार हुए हुए होते हैं, आप साफ होते हैं, आप जो है अपनी ड्रेसिंग अच्छी करते हैं, आपका अपीयरेंस ओवरऑल जब बहुत अच्छा होता है ना, तो फिर लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देते हैं। जब आपको कोई रिस्पेक्ट देता है तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो खुद को जब रिस्पेक्ट देनी है, खुद को आपने इम्प्रूव करना है, खुद को आपने हमेशा साफ सुथरा रखना है, तो अगला इंसान भी आपको देख के सोचेगा कि हाँ, ये इंसान खुद को जब इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसे हमने भी उसको इतनी ही रिस्पेक्ट देनी है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरे इंसान आपको रिस्पेक्ट देंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि यू हैव टू कीप योर पोस्चर स्ट्रेट। आपने अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखना है। ठीक है, आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, जो अगर आप कंप्यूटर पे भी बैठे हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिस पे आपकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, तो उससे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस नीचे ही रहता है।
ठीक है, आपने ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है या फिर आपने कुछ कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आपकी बॉडी मूव करती रहेगी। ठीक है, आप कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उसमें खेलें। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बस कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें, जाहिर सी बात है, अब जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें तो आपकी बॉडी मूव करेगी ऑब्वियसली। तो आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को, या फिर बहुत सारे लोग योगा करते हैं, आप वो करें, या फिर आप, अगर वो भी सब कुछ नहीं होता ना, तो आप स्पोर्ट्स में अगर आ जाते ना, आप कोई भी गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं ना, तो आपकी बॉडी मूव करेगी। जब आपकी बॉडी मूव करेगी उससे आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं ना वो खुलते हैं, जो मसल्स खुलेंगे आपकी बॉडी पूरी मूव करेगी, तो फिर आप में पोस्चर मतलब आपका स्ट्रेट होगा। जब पोस्चर स्ट्रेट होगा ऑब्वियसली आपका, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जो है आप दूसरे इंसान को, देखने वाले इंसान को आप बेहतर लगोगे, और जब आप बेहतर लगोगे किसी और को तो आप जो है घबराओगे नहीं, और आपको बिल्कुल किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा, और आप आराम से अपनी डिफ़िकल्ट चीज़ों को लाइफ में फेस कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपने जो है कंफर्टेबल होना है उन सारी चीज़ों से जिनमें आप अनकंफर्टेबल हैं। आपने जो है ख़ुद को जोन आउट करना है, आपने जोन आउट करना है उन सारी एक्टिविटीज़ से, उन सारी चीज़ों से जो कि जो आपका कंफर्ट जोन है ना, आपने उस कंफर्ट जोन से निकलना है, अगर हम बोले इन रिवर्स में तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चों को क्लास में स्पीकिंग करवाती हूँ ना, तो बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव इनफ ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द अदर स्टूडेंट। तो मैं क्या करती हूँ कि उनको एक दफ़ा एक्टिविटी करवाई किसी स्पीकिंग की, दूसरी दफ़ा करवाई, अगर वो इम्प्रूव नहीं करते हैं तो मैं क्या करवाती हूँ कि ना, उन क्लास में उनको बोलती हूँ कि आपने इन सारे स्टूडेंट्स के सामने ज़ोर से स्क्रीम करना है। ठीक है, मतलब आपने चीख मारनी है। तो जब वो चीख मारता है ना स्टूडेंट, तो उससे जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, जब वो अनकंफर्टेबल फील करेगा और वो सारे स्टूडेंट उसको देख रहे होंगे, तो जब वो अनकंफर्टेबल फील करेगा उसके बाद ऐसा टाइम आएगा कि उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, और वो उसी सिचुएशन में खुद ही कंफर्टेबल फील करने लग जाएगा। जब वो कंफर्टेबल फील करेगा तो उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो सारी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की या बिल्ड करने की, इससे आप बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा ले लेंगे, और इन सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों पे हम काम करें, तो इन पे काम करेंगे आप। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इन सारी जो टिप्स हैं उनमें से किस पे ज़्यादातर काम करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके अलावा कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस, ताकि आप उससे जितना ज़्यादा हो सके आप मुझसे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आपको फ़ायदा देने के लिए आई हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वैसे जो है रमज़ान में वीडियो बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आई होप के फिर भी जितनी मैंने यहाँ पे चीज़ें बोलने की और आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने की कोशिश की है, वो सब आपको अच्छी लगी होंगी। तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो इन माय वीडियो, और सपोर्ट करें मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज़।